इब्ने हसन। इब्ने हसन साहब जी, क्योंकि आप ये बाराद्वारिया ये बनी हुई है जी जी, और इसी के नाम पे इस इलाके का नाम भी बाराद्वारिया, इसलिए इसकी अपनी एक अहमियत हो जाती है। तो ये बाराद्वारिया क्यों कही जाती है, इसमें क्या खासियत है? ये बाराद्वारिया ये कोठी जो है बहुत फेमस है जी जी यहाँ की जी। और इसी कोठी के नाम से है। इसका दरअसल नाम जो था वो सराय लगता था जी जी, लेकिन ये कोठी की वजह से बाराद्वारिया 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 हो गया। पेपर में जो है वो सराय लगता ही चल रहा है जी जी जी। तो इसमें क्या बारादर कहाँ पे थे ये? इसमें हर कमरे में थे जी जी। और वो कमरा जितना है वो सब अब जब फैमिली रहने लगी तो लोगों ने अपने अपने बंटवारे में सब बंद कर लिया है जी। और ये एक जमाने मर्दाना मकान था ये जी, मतलब जी मर्दाना जी, मकान हुआ जी, था। ये मर्दानी कोठी। और किसने बनवाया था ये? इसको बनवाया था अलीजान खान बहादुर ने। हाँ जी, अलीजान खान बहादुर जो कि अंग्रेजों के पीरियड में शहर कोतवाल थे बनारस में। अच्छा अच्छा अच्छा, सन 47 के पहले। हाँ हाँ हाँ, ये उन्होंने बनवाया था जी। और उसके बाद से तब से फिर यही रहने लगे थे जी। और ये जो कब्रिस्तान दिख रहा है जी, ये क्या इसी खानदान का है? जी, इसी खानदान का। तो क्या अली जान साहब इसी में है? जी, जी है, उनका पत्थर लगा हुआ है अली जान साहब का, जिन्होंने मतलब ये बाराद्वारी से बताया था जी। जो हाल है ना, ये हम लोग की कोठी वाला है। उनकी आइडिया क्या है उनकी?